गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सर्वं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बाराध्याय में अर्जुन का पहला प्रश्न है, पहला श्लोक। स्नेह कि निर्गुण निराकार भक्त और सगुण साकार भक्त में श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने उत्तर दे दिया है कि जिसका मन मुझ में लगता है परम श्रद्धा के साथ वो श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है सगुण निराकार भी प्रिय है और निर्गुण निराकार भी प्रिय है भगवान को, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि भागवत में और दूसरे में वेद में भी जिस प्रकार जैसी वासना है उसी प्रकार वो उपासना करेगा। तो जो वैरागी वाले हैं वो ज्ञान मार्ग, और जो आसक्त वाले हैं वो कर्म मार्ग, और जो ना पूर्ण वैराग्य है ना आसक्त है भक्ति मार्ग है, और उनको भगवान की कथा लीला पसंद है तो भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हैं। ये बात बताया, फिर कहते हैं भक्ति मार्ग अवलंबन करते हैं, उसमें और एक जोड़ दिया कि अपने संसार में कर्म करते रहेंगे जब तक भगवान के भक्ति में डूब न जाए, कर्म करते रहे, जहां डूब जाएंगे कर्म अपने आप छूट जाएगा। रामकृष्ण परमहंस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई गर्भवती माँ है, 7 महीना 8 महीना जब होता जा रहा है कर्म छूट रहा है, जो सास है झगड़ा होते हुए भी नहीं, बहू तुम मत करना, क्योंकि ऐसे नहीं कि बहू को प्रति प्यार उमड़ गई ना, क्योंकि जो पोता आने वाला है ना उसके लिए उसके इंटरेस्ट। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ज्ञान रूपक गर्भ में भगवान जब आते हैं धीरे धीरे कर्म रूपक जंजन हट जाता है, जिसका जिसका जैसे आप ही खुद देखो। अगर आपके जीवन में कर्म हटता नहीं है तो जानना कि गर्भ में ज्ञान नहीं आया, माने ज्ञान गर्भ में भगवान नहीं। अगर भगवान माने भगवान का विचार, भगवान की वृत्ति, भगवान के चिंतन अगर नहीं आ रहा, नहीं स्वामी जी मैं वो कर्म में व्यस्त रहेगा वो कर्म में व्यस्त रहेगा, तो इसका अर्थ है अभी तक ज्ञान के गर्भ में भगवान के विचार आया नहीं। अगर विचार आएगा तो ऑटोमेटिक कम हो गया। अब कल थोड़ा सा मैं इनके साथ मार्केट गया था, दिनेश के साथ, तो थोड़ा सा देख रहे थे, देखा कि वैन में पूरा गर्मी है, 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे गर्मी है, होम फूड खाओ। देखा कि एक औरत है, पंजाबी नहीं है, वो अपना कुछ छील रही है समथिंग, तो क्या अकेले कुछ रेडी कर रहे, कोई जैसे ड्राइवर लोग है बाकी लोग है वो सब आ रहे खाते हैं प्लेट में। तो मन में मैंने सोचा कि देखो इनके घर में रहे, ठंड है, फैन है, छाया है ना, रखे यहाँ इतनी गर्मी में क्यों कर रही है, क्योंकि तो उसका कर्म अभी बाकी है। अगर उनको पूछेंगे माता जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या करें स्वामी जी मेरे पति देव, फिर शुरू हो जाएगा पति देव नहीं है बोल सकते, फिर आता अगर है तो कर्म नहीं कर रहे, कमाई नहीं हो रही, अगर कमाई हो रहे तो हम लोगों का जो वांट्स है, हम लोगों की जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं हो रही,
इसलिए मुझे करना पड़ा। या तो जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो उनके लिए कितना 40-50 लाख जरूरत है, ऐसे में खाना पका करके दे रही। कोई ना कोई कारण तो आएगा। उसमें लास्ट क्या है कि कर्म करने की वासना, और कर्म क्यों कर रहा हूं, फल के लिए। ये जो आंसर है फल ही तो है। वांस है, उस वांस को शांति में बैठ सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी सेकंड कैटेगरी वाला है। वो शांति में बैठ जाता है जो जिसके अंदर वैराग्य है। तो क्या जरूरत है? अब एक साधु है, संत है, वो अपना विरक्त है, वैराग्य। वो जो एक्सरसाइज करते हैं ना, एक पैर में इसी तरह कर रहे थे, नेपोलियन बना, वो भारत आया, भारत आक्रमण, हिटलर के लिए भी कहा जाता, तो नेपोलियन ही आया था। तो आकर के पूछा अपना मुनि को, ये कर क्या रहा है साधु? तो मुनि जाके पूछा कि आप कर क्या रहे हो? साधु तो जानते, ये तेरा प्रश्न है ना, तेरा राजा का प्रश्न है ना, राजा का, उसको आने दे। बोला कि महाराज, ये तो जान लिया कि मेरा प्रश्न है कि आपका प्रश्न है, मुझे बोलना पड़ा सच, आपका प्रश्न है तो बोल रहे, उसको पूछने दो। तो फिर उतरे पालकी से, पूछा आप क्या कर रहे हो? ना तुझे सिखाने के लिए कर रहा हूं, ना क्या, ना इस मिट्टी में, इस पृथ्वी में जीने के लिए दो पैर काफी है। ये मैं दिखा रहा हूं कि देखो, दो पैर में इतनी जमीन काफी है। कर क्या रहा है तू? कहां से आया? इटली से आया, ग्रीस एथेन से आया, और आकर के भारत वर्ष पूरा टोटल पृथ्वी दिग्विजय कर रहा है। जाते समय इतना लेगा लेगा ये तुझे बताने के लिए। ये सब ज्ञान उसको मिला था, इसलिए हिटलर एंड नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन तो द्वीप में मरा लास्ट, ऐसे वो मरा, वो द्वीप में उसको निर्वासन किया गया। और हिटलर तो कहा था, हिटलर ने कहा कि जब मैं मरूंगा, वो जो जो हाथ है ना, दोनों हाथ पर देना, और जो डॉक्टर से वो साथ में रहना। तो अर्थ क्या है, इतना डॉक्टर सोते हुए भी कोई नहीं बचा सकता, और ये हाथ खाली है, यही दिखा करके सारा में पृथ्वी को क्या किया था, आधिपत्य किया था, मगर मैं खाली हाथ जा रहा। तो ऐसे तो जिसके अंदर वैराग्य है ना, वो अपना, उनको वांट्स भी नहीं है और वांट्स के लिए स्ट्रगल नहीं। और जो कारक पुरुष होते हैं, और गुरुदेव है, अलग अलग है, शंकराचार्य है, वेद व्यास है, उनके अंदर भी कोई इच्छा नहीं, फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? वो जानते हैं कि भगवान के टूल बनना है, भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना, ये धर्म प्रचार करना, धर्म रक्षा करना। यदि यदा चरति श्रेष्ठ, खुद भगवान कहते हैं, बस उसका अवलंबन कर। और उनके लिए ना उनका कर्म ही पूजा है, उनका कर्म उनके लिए बंधन नहीं, उनके लिए कोई दुख नहीं, उनके लिए कर्म ही उनके लिए पूजा, कर्म ही आनंद। ये तो भगवान ने बताया। सेकंड क्या हुआ, बार बार पीछे क्यों होता है? कल ठीक से बैठो। हाँ, मैंने कल भी देखा था, आप पीछे देखो, वो स्टूडेंट का लक्षण नहीं, वो तो अलग है, ये तो पैर हो रहा है, मगर आपका तो सिर जा रहा है। मुझे आप लॉजिक दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? वो तो पैर है, पैर थोड़ी पीछे जा रहा है, वो आपका सिर जा रहा है, जैसे कल भी जा रहा है। स्टूडेंट का लक्षण नहीं, स्टूडेंट है डायरेक्ट गुरु की आंख को और देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। कोई भी आए, कोई आए, कोई पीछे नहीं, हरिओम भी को पीछे है, हरिओम बात नहीं कर। ओनली मैं, ओनली स्टूडेंट, ओनली
श्रोता बस शिष्य वो लक्ष्य। क्या करें, मैं आचार्य बनाऊं ना। सिद्ध बड़ी में ट्रेनिंग की मेरी भी आदत हो गई, कोई इधर उधर होता है तो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। अभी उड़ीसा में मुझे गया था, 40 मिनट ले लिया इनॉग्रेशन, मेरा सिर्फ 1.5 घंटा का। 40 मिनट से इनॉग्रेशन ले लिया, फिर मैं साल नहीं कर पाया, माइक पकड़ा, पता नहीं और कितना चलेगा। मैंने कहा देखिए मैं 40 साल से प्रवचन दे रहा हूँ, उड़िया में बताया। मेरे अंदर इंप्रेशन करवाओगे कि एक गांव गया था जिसमें इनॉग्रेशन 40 मिनट हुआ, ये अगर चाहते हो और भी बढ़ सकता है आपका इनॉग्रेशन, तो अगर चाहते तो कंटिन्यू करो, मगर मेरा इंप्रेशन सारा जिंदगी भर रह जाएगा। तुरंत 1 मिनट के बाद सब हो गया, स्वामी जी खत्म, अभी आप शुरू करो। कौन चाहता है अपना उनका गांव बदनाम करने की? मैं भी ऐसे स्कूल में भी जब जाता हूँ बच्चे थोड़े, देखो लगभग मैं 500 स्कूल अपने 40 साल में गया होगा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो स्कूल का नाम है वो मेरे मन में इंप्रेशन में रहे कि ये गंदा स्कूल है, बच्चे इनडिसिप्लिन थे, बच्चे हुईसेल लगा रहे थे जिंदगी भर, और मेरे नेक्स्ट जो 501 वाला जाऊंगा उसमें तुम्हारा स्कूल का नाम बोलूंगा? शांत, कोई नहीं चाहता है इसी। चलिए आगे बढ़ते। तो भगवान कहते हैं दूसरा नंबर में बता दिया कि जिसका मन मुझ में लगा वो निर्गुण भक्त हो या सगुण भक्त हो। निर्गुण भक्त जिसके अंदर वैराग्य है वो तीसरा एंड चौथा श्लोक का लक्षण बता, क्या कि वो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम के ऊपर चिंतन करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न था कहा क्या आप निर्गुण निराकार के बारे में बताया, द्वितीय अध्याय से लेकर के 10वां अध्याय तक, फिर सगुण साकार के बारे में बताया, सगुण निराकार सगुण साकार 11वें अध्याय में भी, विश्व रूप, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन? भगवान ने, शंकराचार्य ने भी यही कहा, बता दिया। अब चौथ 5वां नंबर में हम लोगों ने कल देखा था, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुःखं देहवत भी अवाप्यते। अर्थात जो देहवत है, जो देहाभिमान है, उनके लिए बहुत क्लेश होता है, क्लेशकर होता है अगर वो निर्गुण निराकार का चिंतन करेंगे, वो हो नहीं सकता। आप सोचो अगर हम शरीर के प्रति ध्यान बहुत देखेंगे तो क्या करेंगे कि मेडिटेशन करेंगे, कर नहीं पाएंगे, बहुत धूप हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, वो नहीं कर रहा है। अब जगन्नाथ पुरी में कैंप गए थे, अब उनको केवल रूम की ही चिंता है कि रूम साफ नहीं है, वो नहीं है, मेरा 10-10 क्लास हुआ वो चिंता नहीं है, क्लास कैसा हुआ, इतना सुंदर क्लास, वो नहीं है। पूरी राजा के दर्शन मिलना कठिन है, उनका दर्शन मिलना, क्योंकि वो जब भक्ति होगी जगन्नाथ कथा तभी पूरी राजा का महत्व तो समझेंगे, वो चिंता नहीं। जो अकेले आप जाओगे तो दर्शन नहीं कर सकते कि चिल्का जाओ ये जाओ, अभी ये लोग भी गए इतना नहीं कर पाए, कोणार्क गए, लाइटर, वो नहीं दिखाई दे, वो बेडशीट गंदा था, टावल गंदा था, वो दिखाई दिया क्यों? देह भक्ति आ सकती, क्या करें। कुछ लोग ना डिवोटीज के रूप में नहीं गए थे, वो एक यात्री के रूप में गए थे, इसलिए इस बार मैंने बाली में स्ट्रिक्ट कर दी, 50 होने 50, मतलब 20 लोगों का, अभी आज भी आ रहा है, नो स्ट्रिक्ट ना, मेरा स्त्री आ रही है, वाइफ, मेरा हस्बैंड जाना चाहते, नो लेट हो गया, क्यों? एंड 40-50 में से सिर्फ 47 लोगों को मैं जानता हूँ, है ना, हमारे चिन्ह में से तो डिवोटी, आई एम रिलीव्ड, ओनली 3 लोग हैं वो मेकअप करते हैं, और वो भी कनेक्टेड है, ये इसी से रेकमेंडेड है। तो जो डिवोटेड है ना, हालांकि बाली तो हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, पर्पज ही घूमने, तो चलो वो ठीक है। तो देहवत एग्जाम्पल बता रहे, जो मनुष्य, इसलिए आप देखो सिद्धवाड़ी में भी जाते हैं, उत्तरकाशी में भी जाते हैं, वो एक दिन का कंप्लेन रहता है, जब ज्ञान मिलता है, जब वो ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, गुरुदेव का, गुरु जी का ज्ञान से सब, फिर भोजन बढ़िया मिल जाता है, कैंप में बढ़िया भोजन मिलता है, शांत हो जाता है। तो भगवान यही कहते हैं, तो सोचो इसको प्रैक्टिकल में देखना, प्रैक्टिकल में देखना है कि जब हम जाते हैं भगवान, अब राम मंदिर है,
अब अयोध्या जाएंगे, वो हर रोज 3 लाख होते, अभी 48 दिन में 1 करोड़ हुआ। सोचो तो, जो मक्का मदीना में एक साल में 1 करोड़ हुआ, अभी सब हिसाब आ रहा है, 48 डेज, अभी 50 डेज हो गया, 5 जनवरी से अभी तक, उसमें 1 करोड़ लोग, पहले ही 2 दिन में तो 23-24 में तो 5-5 लाख हो गए, 1.5-2 घंटा खड़ा होना पड़ता। अब हम बोलेंगे 1.5 घंटा कैसे खड़ा होंगे, उधर तो नहीं होंगे, है ना, करना पड़ेगा। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा जब मन भगवान में रहेगा, शरीर खड़ा रहेगा, शरीर तो कहीं भी ना कहीं रहेगा ना, या तो एसी रूम में रहेगा या तो भगवान के लिए खड़ा रहेगा, रहेगा हमारा मन भगवान में रहना चाहिए। थोड़ा दुख होगा, थोड़ा कष्ट होगा, पसीना आएगा, सब कुछ आएगा, चला लेंगे, ठीक है। कहते अगर शरीर के प्रति ध्यान रखोगे फिर तो मुश्किल होगा, तुम उस चिंतन को नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड मीनिंग शंकराचार्य देते हैं, मैं जस्ट पढ़ रहा था, वो कहते हैं, क्या पता है सेकंड मीनिंग, कहते हैं जो परमात्मा निर्गुण निराकार के प्रति आसक्त है, अर्थात जिसका मन उसमें है, देह अभिमान त्याग हो जाता है। सेकंड मीनिंग सुन, अर्थात जिसका मन परमात्मा में निर्गुण में आएगा, ऑटोमेटिक देह अभिमान छूट जाएगा। जैसे अभी आप बैठे हो, आपका पैर दुख रहा, किसका सिर दुख रहा, अगर मन चिंतन में है, पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा में, अच्छा पैर ऐसे हुआ, वो उनका वही भगवान का कहना, देहवत अर्थात देह अभिमान ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा। मगर त्याग करना कष्ट भी है, कठिन भी है, ये भगवान के तुरंत होगा नहीं, कठिन कष्ट, ठीक है, ये बताया। अब भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, मैंने निर्गुण निराकार के बारे में बताया, अभी तुमको 2 श्लोक में सगुण निराकार जो ईश्वर है, जो तुमने पूछा था, उनके बारे में बता रहा हूं। तो 6 नंबर श्लोक में भगवान सगुण निराकार और सगुण साकार, तो ये सगुण निराकार सगुण साकार मैं बार बार जो बोलता हूं ना, इसको ध्यान से रखना। सगुण निराकार माने ईश्वर, सगुण साकार माने अवतार, दोनों के ही यहां पर ले रहे, यहां पर जो 5, 6, 7 में ईश्वर के लिए ले रहे हैं, भगवान खुद अपने आप को नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे मंदिर में बैठाओ और पूजा करो, अर्जुन को भी नहीं कहा, अर्थात सगुण साकार के लिए भगवान नहीं कहा, भगवान उसी स्टैंडर्ड में रहे, सगुण निराकार अर्थात ईश्वर। भगवान खुद भी कहते हैं, देखो ना अर्जुन, मुझे तो लोग व्यक्तिम आपन, मुझे तो लोग शरीर ही समझते हैं, वसुदेव का पुत्र ही समझते हैं, इसका अर्थ है अवतार भगवान शरीर का खुद ही खंडन कर दिया, मुझे केवल इतना ही समझते हैं, मगर है कौन मैं ईश्वर हूं। फिर अगर भगवान ने खुद मना कर दिया कि मुझे केवल, फिर हम लोग क्यों करते हैं, अगेन प्रश्न होगा, जब भगवान गीता में मना कर दिया अर्जुन को कि मुझे केवल शरीर समझते हैं, फिर उनके शरीर की पूजा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं हमारे उपासना के लिए। मैंने बताया था उस दिन प्रवचन में कि रामचरितमानस के अर्चा अवतार, अनेक अवतार होते हैं, पहला दिन 14 तारीख अर्चा अवतार ना, भगवान के जो मूर्ति है ना, मूर्ति में जीवन न्यास आता है, जीवन न्यास दिया जाता है, पूजा होती है, ब्राह्मण जीवन न्यास देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, एक एक अंग के साथ देते हैं, उनके अंग के, और वो शास्त्र का नियम है, वैदिक नियम, वो एक कपड़ा रहता है और एक मूर्ति है, उसके बाद जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो अपना सिर से या पैर से, जहां नियम है उसके साथ अपना पैर रखते हैं, जैसे दूब है, घास है, मंत्र गाएंगे, पादो पादम संयोजत हस्तम हस्तम संयोजत, ऐसे फिर करते 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 सब चारों तरफ जाते हैं, फिर मंत्र गाया जाता है, फिर अलग अलग उपचार होता है, इसको बोलते हैं जीवन व्यास। तो भगवान का भी अवतार हो जाता है, भगवान का भी जीवंत तत्व आता है। पहले क्या था, खुद वो जो राम जी के बनाया था ना, उस अरुण है, अरुण योगीराज, वो कहते हैं मैंने जो बनाया था जब गर्भगृह में
आए और पूजा के बाद वो भगवान अलग हो गए, उनकी हंसी आ गई। मैंने जो बनाया था उसमें हंसी नहीं थी, ठीक नहीं, खुद ही बोल रहे आप इंटरव्यू दे रहे। और उसी का ही छोटा सा बच्चा था, उसके दादाजी हमारे बैंगलोर के दीनबंधु बनाया था, ये लोग गए थे हमारे डॉक्टर शशिराज देख के आए, स्वामी जी से मिले, वो एक फोटो भी उस समय वायरल हो रहा था, दादाजी पकड़े इसको और गुरुदेव उसको प्यार कर रहे। सोचो तो, माने कितना साल, 40 साल के पहले गुरुदेव प्यार कर रहे हैं और बता रहे हैं अरुण तुम ही राम लला को बनाओगे। और भगवान गुरुदेव ने चिट्ठी भी लिखा था, टाइम विल कम द फ्यूचर जनरेशन विल सी द इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल, ऐसे 92 में लिखा था दिसंबर, और हुआ इतने साल के बाद, है ना। महापुरुष लोग वो जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर प्रेसिडेंट, और उन्होंने ही राम मंदिर के बारे में कहा था, हिंदू वोट बैंक उन्होंने कहा, वो हिंदू वोट बैंक द वर्ड पहले आया 92 से पहले गुरुदेव ने कहा था। ग्रेट। और गुरुदेव के जो वाक्य है ना वो सात्विक रूप में, बाकी ये लोग जो वही भी बोल रहे तो बड़ा रजसिक है तो तुरंत प्रचार हो, गुरुदेव के वाक्य सात्विक रूप इंग्लिश में था, तो जो सात्विक लोग ही समझ सकते, अधिकारी लोग। और उस समय मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, कम था, ऐसे कम बात, इंग्लिश के कारण, मीडिया कमी के कारण, और गुरुदेव के सात्विक के कारण। और गुरुदेव एक बार बोल दिया फिर भूल गए, ऐसे नहीं कि उसी को ही बार बार बोलते जा रहे हैं ना, गुरुदेव का थे वेदांत गीता, वो एक ठीक है बताया, व्यवहार रूप में रह रहे हैं, उपासना के एक मंदिर है, उपासना का क्षेत्र ही होना चाहिए, और उन्होंने वेदांत को नहीं छोड़ा, उपनिषद को नहीं छोड़ा, क्लियर ना, उन्हीं के ही दाए था हम लोग, इसलिए उसको नहीं छोड़ना है, शास्त्र को नहीं छोड़ना है। कल मैं बता रहा था कनेक्ट होना चाहिए शास्त्र से और गुरु से, गुरु वेदांत तो वाक्य से विश्वास श्रद्धा तत्व में भी आज ही ले रहा था, शास्त्र एंड गुरु दोनों से कनेक्ट रखना चाहिए। और जब शास्त्र और गुरु से कनेक्ट रखोगे ऑटोमेटिक मंदिर और आश्रम के साथ कनेक्ट रखो, गुरु के पास जाना पड़ेगा तो कहाँ जाओगे, आश्रम पे जाना, शास्त्र को पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे, तो गुरु के मुख से अपने पास ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो बता रहे यहाँ पर, गुरु एवं शास्त्र को मंदिर एंड आश्रम में आपको मिलेगा और वो कनेक्ट रखना, ठीक। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि जो सगुण निराकार है, तुमने जो प्रश्न पूछा था अर्जुन, उसकी जो भक्ति वो मैं तुझे बता रहा हूं, 5 नंबर में सगुण उपासक के बारे में बता रहे, ठीक है। तो सगुण का भी दो बल मैंने कहा, क्या बताया, सगुण निराकार इज इक्वल टू ईश्वर, सगुण साकार इज इक्वल टू अवतार। कुछ लोग अवतार जैसे मानते नहीं है, अवतार का सगुण मूर्ति पूजा नहीं मानते, मगर ये मूर्ति पूजा अर्चा अवतार जो मंदिर में होता है उसका बोलते हैं अर्चा अवतार, मूर्ति को जो रखते हैं ये साधक के लिए, अगर मन विकसित हो गया, मन ऊपर उठ गया और ये जरूरत नहीं, ओनली निर्गुण निराकार के चिंतन करते हैं, थोड़ा सा इसको और समझ ले, मैं बार बार बताया फिर भी, एक तो कृत उपासक एक अकृत उपासक, इस जीवन में साधक में कुछ लोग उपासक है, मूर्ति पूजा को पसंद करते हैं, खुद 1 घंटा करते हैं, पूजा करते हैं बढ़िया, कुछ नहीं करते और वो लोग चिंतन करते हैं। अब जैसे सिख धर्म क्या हो रहा, बार बार जब मन बार बार चला जाता है ना इलेक्ट्रिक जैसा, तब गुरु गुरु लोग शास्त्र लोग कहते हैं मूर्ति पूजा में करो 1 लग अटक क्रम, जिसका मन डायरेक्ट चिंतन में चला जाता है उसके लिए जरूरत। इसलिए हमारे पूरा टोटल सिख धर्म के नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, उन्होंने निर्गुण निराकार सत्श्री अकार स्वयं अकर्ता उसके ऊपर चिंतन कराया, और जितने भी पद लिखा गया है सब कुछ
उस निर्गुण निराकार और ईश्वर करके सगुण साकार का नहीं है। और उन्होंने राम का, गोविंद का, कृष्ण का नाम भरपूर दिया है, इसलिए बीच बीच में घटना घट जाती है ना। तो उन्होंने तो राम और गोविंद किया, और कहीं किसी सिख ने के राम का कृष्ण का भजन गा दिया तो कंफ्यूजन हो जाता है, कंट्राडिक्शन हो जाता है ना। क्यों वो कहते नहीं हमारे धर्म में तो कृष्ण का नहीं है। ठीक है, उन्होंने गाया इसीलिए कि जो कृष्ण को भक्ति करते हैं उनको अच्छा लगेगा। फिर वो भी कहेंगे हम कृष्ण माने सगुण साकार नहीं देखते, हम कृष्ण माने ईश्वर देखते, ये भी सही। हम उसी ढंग से गाया, कृष्ण का खुद ही भगवान 5 नंबर में बताएंगे कि मैं जो हूं वो मैं वसुदेव पुत्र वासुदेव के रूप में नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं। असल ईश्वर इज इक्वल टू कृष्ण के रूप में अगर गाएंगे, गोविंद के रूप में गाएंगे, जिन जो नाम सब दिया गया गुरु गोविंद सिंह ने, जितना भी नानक जी ने सब लिखा है, राम गोविंद कृष्ण, वो सब ईश्वर के रूप में लिखा, वो वसुदेव पुत्र वासुदेव के लिए नहीं। तो यहां पर जो 5 नंबर है, सगुण निराकार माने ईश्वर, क्योंकि हम ईश्वर का भी हम चिंतन नहीं कर सकते, हम ईश्वर का भी समर्पण नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अगेन अर्चावतार चाहिए, हमें एक मंदिर चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, जिसका मन बहुत भटकता है तो उनके लिए बस तुम आओ मंदिर, आओ वहां बैठो, वहां अच्छा लगेगा, वहां उनके रूप देखोगे, मन लटक रहेगा। ये बताया, एक एक कहानी कह के मैं आगे बढ़ू। रामानुजाचार्य में एक जीवन में कथा है, श्री रंगनाथ दक्षिण भारत में, उनका दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा है, राजस्थान में जो गए होंगे, बहुत सुंदर है भगवान, जैसे वृंदावन जैसा। वो क्या करते हैं, भगवान का डेकोरेशन करते हैं, पर्दा बंद, फिर इंतजार करें, फिर खुलता है। देखा है कभी वृंदावन, वो जो द्वारकानाथ है बंद होगा, आप इंतजार करें फिर खुलेगा। भाव यह है, हमारे अंदर भगवान को देखने की एक लालसा बढ़ेगी। कल परसों जैसे अब बंद हो गया 10:45 तक है ना, अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तो कोई कोई भजन में इंटरेस्ट, कोई कोई इधर उधर घूमने का भी इंटरेस्ट, कोई कोई सीट नहीं मिल रहा है, इधर उधर हो रहा है, कोई कोई लग कब होगा। एक जग आए 11:40-45 में खुल गया, तो जो खुल गया था वहां था, सुंदर रूप है, फूलमाला है, अच्छा है, दर्शन करके अच्छा लगता है ऐसे, इसीलिए द्वारकाधिपति में रखते हैं। और जो द्वारकाधिपति है ना, भगवान बाल रूप है। मैंने पूछा, अभी मैं बीच में गया था फेब्रुअरी लास्ट, जब दर्शन किया तो 8 बजे के बाद मंदिर खुलता है, दिन 8 बजे द्वारकाधिपति खुलता है, उसके पहले नहीं। और केदारनाथ 4 बजे खुल जाता है, बद्रीनाथ 4 बजे खुल जाता है, उज्जैन के जो महाकाल है वो 4 बजे तो भस्म आरती हो जाती है। तो मैंने किसी को पूछा, ब्राह्मण को, उन्होंने कहा कि स्वामी जी यहाँ पर बाल कृष्ण है ना, वो बालक सोता रहता है, 8 बजे से पहले उठता नहीं, बहुत सुंदर बात। और उधर कौन है, उधर शिव जी है, उधर बद्रीनाथ है, वो केदारनाथ, वो तपस्या के लिए उधर गए। वही अगर यहाँ द्वारका आएंगे लीला करने के लिए तो बच्चे बन करके वो सोएंगे, और तो उठेंगे 8 बजे, इसलिए 8 बजे मंदिर। इंटरेस्टिंग बोल, द्वारका अधिपति भगवान की भाव, देखो भाव से ही तो उपासना है ना। यहाँ सगुण निराकार और सगुण साकार दोनों के लिए बताया। 5 नंबर पढ़ते हैं, श्री भगवान ये तो सर्वाणि कर्माणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन आम ध्यायन्त उपासते। इसको कहते हैं सगुण उपासक के बारे में बता रहे हैं। वो बड़े भगवान को कितना सुंदर साइंटिफिक बता रहे हैं ना, सिस्टमेटिक बता रहे हैं।
अर्जुन का प्रश्न नंबर वन, और भगवान ने सुना ये क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा उत्तर इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग तक पूरा, कि भगवान ने निर्गुण निराकार को बड़ा कर दिया, सगुण निराकार सगुण साकार को बड़ा कर दिया, इसलिए उन्होंने आंसर ठीक से दिया। जिसका मन मुझ में लगता है और परम श्रद्धा है वो भक्त परम है। कौन भक्त बड़ा है? जिसका मन लगता है, जिसका मन, जैसे स्वामी जी आप किसको प्यार करते हो चिन्मय मिशन के कमेटी लोगों को ना, जी जो डेडिकेट करता है ऑटोमेटिकली उसको प्यार करते हैं, जिसके अंदर डेडिकेशन हो वो प्यार ऑटोमेटिक वहां जाएगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ कि दर्पण अगर सामने आओगे तो ऑटोमेटिक दिखाई देगा रिफ्लेक्शन, आओगे नहीं तो आएगा नहीं। भगवान ने भी यही आंसर दिया, ना निर्गुण को बड़ा कर दिया ना सगुण को बड़ा कर दिया, कह दिया जिसका मन मुझमें लगा। ठीक, फिर दो श्लोक निर्गुण निराकार, अब भगवान सगुण निराकार कहते, ये तू सर्वाणि कर्माणि, ये माने जो जो सगुण भक्त है, ये तू तू माने इंडिड, अलग किससे अलग, किससे अलग, थोड़ा बोलो ना नहीं तो लगेगा कि आप सो गए हैं। किससे अलग, ये तू माने अलग बोल रहे, तू माने अलग किससे अलग, बॉडी का साथ किससे अलग, तू पांच आप एक, आपका उत्तर मुझे समझ लिया, हाँ आप बताओ। तू माने अलग, किसी से अलग, किससे अलग, हाँ दोनों ठीक बताया, प्यार जैन एंड पिकेज। निर्गुण निराकार जो भक्त बताया था 3 और 4 नंबर में, 5 नंबर में कठिनाई बताई, उससे अलग कौन, सगुण। ये माने वो कौन है, ये माने जो कौन है, सगुण पास, तू इंडिड अलग, किससे, उससे अलग, अभी समझ में है, तू माने इंडिड अलग, कौन है, सर्वाणि कर्माणि, देखो सर्व कर्म सब कर्मों को, सर्वाणि कर्माणि मई संन्यस्य मुझ में समर्पण करके, संन्यास का अर्थ है दो, एक होता है समर्पण कर, न्यास, आप देखो तो शिलान्यास मालूम है ना, शब्द हम यूज करते हैं शिलान्यास, शिलान्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हो, ले फाउंडेशन, नहीं उद्घाटन, शिलान्यास ले फाउंडेशन, देखा जाए तो शिला को रखते हैं इसलिए शिलान्यास, सिंपल है। जब कोई घर बनेगा तो जो कोई मिनिस्टर आएगा, कोई अतिथि आएगा, वो शिला बोलते हैं आप, शिला मैंने क्या ईंट है, तो पहले ईंट उसको बोलते हैं रखो, बस वही उसको बोलते हैं शिलान्यास। जैसे ये पहले गुरुजी ने किया होगा शिलान्यास पहले, देन उसके बाद मंदिर बना, तो उसको बोलते हैं शिलान्यास। ठीक है, तो न्यास माने एक रखना, तो कोई भी कर्मों को भगवान के चरणों में, तो अगर सगुण साकार लेना है, प्रभु मैं जो भी कर्म करता हूं बस आपके चरणों में, सगुण निराकार प्रभु मैं आपको समर्पण करके, आपको याद करके, आपको समर्पण करके आपके लिए ही करता हूं, आपके लिए करता हूं, आपको समर्पण करता हूं, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट, मई सर्वाणी कर्माणि। और एक संन्यास माने त्याग करना, संन्यास, संन्यास माने त्याग, तो जो मेरे अंदर कर्म है उस कर्म के करते समय मैं क्या त्याग करना चाहिए ना, 3 दोष है, अब ये बहुत बार मैंने बताया, सकाम, देखो एक होता है कर्म और एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। ठीक है, कर्म जनरल जिसमें कुछ भी नहीं है, सकाम कर्म में 3 चीजें, 3 दोष, 3 दोष जब हट जाता है वो निष्काम कर्म, तो कहते हैं प्रभु मैं जब कर्म करता हूं, भगवान भी बोलते हैं तुम जब कर्म करते हो तो तब समर्पण हो सकता है जब ये 3 चीजें हटे। आप देखते हो कभी जब केला भगवान को देते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बोलो, जैसे कोई ऑरेंज देते हैं तो क्या करते हैं, इसका अर्थ है प्रभु जो रियल चीज है आपको लेना है सार,
और जो छिलका है हटाना है। अच्छा भगवान को दे दिया और ठीक है, भगवान को थोड़ा तो दे दिया और किया भी नहीं, क्योंकि इसी को ही खराब हो जाएगा, फिर बाद में हम 3 घंटा के बाद खाएंगे। ओके, भगवान के नाम पर हम खाते हैं। 3 घंटा के बाद जो हमको मिलता है आप बांटते हो, वो जो मिला उसके बाद वो क्या करता है, छिलके खाता है? नहीं, वो भगवान का दिया हुआ है, हम छिलेंगे ना, ऐसे ही खाएंगे। कहानी है ना हमारे गुरुदेव का, परवल एक कहानी है, परवल एक किताब है, उसमें है कहानी। एक फॉरेनर गया, आया इंडिया आया, और उसका गुरु ने कहा था कि तुम बनाना खा, तो मंगाया। 5 स्टार होटल में रहा, ताज में, मुंबई दिल्ली बड़े बड़े ताज होटल है ना, 5 स्टार। उसने मंगाया बनाना, तो बहुत बड़ा प्लेट में, फिर बनाना आया, 1 डजन मंगा लिया था। उसका ऊपर कवर होता है, उसको को प्लास्टिक में आता था, पॉलिथीन में कवर होता है, उसको खोलना पड़ता है। उसने खाना शुरू किया। हाँ, क्या टेस्ट लगेगा? बनाना खाया, टेस्ट कैसे लगे? उतना मजा नहीं है। उसने ऑर्डर नहीं दिया। फिर बाद में जो वापस गया, गुरु को कहा, यू टोल्ड दैट बनाना इज वेरी टेस्टी, बट आई डिडंट फाइंड बनाना इज टेस्टी, थोड़ा सा कसा कसा लग रहा था। गुरु ने जान लिया कि मेरा जो बुड़बक शिष्य है कुछ गड़बड़ किया है। तो बोले कैसे खाया? डायरेक्ट खाया, केवल जस्ट उसने पॉलिथिन वो डाला और निकाला प्लास्टिक कवर, उसके बाद खाया ना, और एक कवर निकालना था। ऐसे ही कर्मों में 3 छिलका है, क्या क्या बताओ तो? कर्ता भाव, वेरी गुड, याद है कर्ता भाव। एक मिनट, एक करके मैं समझा रहा हूं। कर्ता भाव माने अहंकार आता है कि मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म। जब अहंकार अहंकार आता है कि मैं कर्म करता ना, वहां पर मुश्किल है। जहां भी प्रॉब्लम, किसी में भी, घर में भी बोलो, मिशन में भी बोलो, आश्रम में बोलो, कोई भी कर्म, अगर मैं कर्म करता हूं फिर तो शुरू हो जाएगा। तो कोई अगर बोल दिया कि ठीक नहीं हुआ, फिर आएगा दुख, क्योंकि तो मैं कर्म करता हूं। सेकंड बोलो क्या? हाँ, नहीं, वो तो हम 2 छिलका ले रहे हैं ना, उसका एंटीडेट आएगा ईश्वर। अभी हम छिलका ले, दोष, ठीक है, अभी दोष देख रहे हैं, फिर उसका एक एक एंटीडोट क्या है वो देखें। पहले हम रोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद मेडिसिन। तो फर्स्ट हो गया कर्ता भाव अहंकार, उसका जो एंटीडोट होता रहेगा, उसका एंटीडोट है ईश्वर, ईश्वर बुद्धि एंटीडोट। कर्ता भाव हटेगा कैसे? ये जब मैं ईश्वर बुद्धि रखता हूं कि मैं कर्ता नहीं हूं, अहम न करता हरि करता, हरि करता ना अहम करता, एक प्रसिद्ध श्लोक, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कर्म के प्रति, नहीं, कर्म फल बाद में आएगा, अभी जो चल रहा है कर्मों के प्रति आसक्ति, मुझे यही कर्म करना है। देखो एग्जाम्पल बताया ना मैंने, वो जो लेडी है माँ है, वो छोड़ नहीं पाएंगे, अगर उनको मैं बताऊंगा आप छोड़ दो ना, फिर छोड़ दो स्वामी जी, आप खाना दोगे मुझे, मुझे कमाई करनी, कर्मों प्रति आसक्ति, बिना कर्म में रह नहीं सकते। फिर उसके साथ जुड़ा कर्म फल की आसक्ति, क्योंकि मुझे कर्म फल चाहिए। ये तीनों हमारे अंदर है कर्मों में, इसीलिए ये बंधन का कारण है। संन्यास सेवन है त्याग करना, क्या त्याग करना? ये तीनों को त्याग करना, मई संन्यास्य सर्वाणी, समझ में? अच्छा, अभी कर्म के प्रति जो आसक्ति है उसके एंटीडोट क्या है? कर्म के प्रति अनासक्ति, उदास भाव। कर्म है ठीक है, कर्म नहीं है ठीक है, उदास भाव, समभाव, अनासक्ति, डिटैचमेंट। और कर्म फल के आसक्ति कि मैं, मुझे फल नहीं चाहिए, मिलेगा मुझे मगर मैं फल की आशा नहीं करता। तो ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत पराह। सगुण के भक्त के लक्षण बताओ। देखो, एक नंबर बताया समस्त कर्मों मुझे समर्पण करते हैं, दूसरा है मुझे ही श्रेष्ठ समझते हैं, मत पराह। पहले भी बताया था ना 11th चैप्टर में, मत परायणा,
है ना, मत कर्म कृत मत परा, मत परमा मत परा, अर्थात मुझे श्रेष्ठ समझते हैं। अनन्य नैव योगे न, अर्थात मैं उनका मन पूर्ण रूप में मुझ में ही लगा हुआ है। अनन्य नहीं, अनन्य नहीं हुआ, अनन्य माने ना अन्य, और उनका मन इधर उधर नहीं जाता, केवल भगवान के साथ जाता है। अनन्य नैव योगे न माम ध्यायन्त, मुझे जो उपासना करते हैं हे जानो, उनके लिए मैं क्या करता हूं, भगवान करते। देखो उसने फल की आसक्ति छोड़ दिया ना अर्जुन, ना मगर मुझे तो देना है। वो ऐसे है ना, छोड़ोगे तो ज्यादा मिले, हम छोड़ नहीं पाते रे, कहते सैक्रिफाइस करोगे तो मुझे मिलेगा, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसलिए मिलता नहीं। गुरु जी दो शब्द बोलते, एक है कॉम्प्रोमाइज और एक है सैक्रिफाइस। यू सैक्रिफाइस यू विल गेट, वी कॉम्प्रोमाइज दैट इज वाई वी डोंट गेट। कहते क्या मिलेगा भगवान के। अब इसमें कहते हैं अनुग्राहक भक्त, 6 नंबर, 7 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में कहते हैं अनुग्राहक भक्त, अर्थ मैं उनके लिए अनुग्रह करता हूं। मैं कैसे करता हूं, जब वो पूर्ण उनके लिए, 6 नंबर से 3 क्वालिटी याद रखना, कर्म समर्पण, सेकंड मुझे परम समझते हैं बुद्धि में, थर्ड अनन्य नहीं, बस ऐसे समझ। देखो हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं, शरीर मन बुद्धि है ना, ठीक है, तो शरीर से मई कर्माणि संन्यास, जिसके पास किताब है अपना नोट में उसमें लिख दो मई सर्वाणि कर्म, ये शारीरिक शरीर बॉडी। फिर लिखा है मत परमाह बुद्धि, बुद्धि में से समझते हैं कि भगवान ही श्रेष्ठ है। अनन्य नैव योगे न मन, तो शरीर मन बुद्धि, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग, तीनों हो गया ना उसमें ऐसे। इसलिए हाँ, ये भी एक धारणा नहीं होनी चाहिए जो भक्त है उसके पास ज्ञान योग नहीं है, नहीं, मत परमा हो ही नहीं सकता जब बुद्धि में चिंतन नहीं कर सकते। बुद्धि में चिंतन आएगा ही कि परम भगवान ही श्रेष्ठ है, और भगवान श्रेष्ठ समझने के लिए बुद्धि के एक्सरसाइज जरूरत है। तो ऐसे जब करेगा ना अर्जुन, उपासना करता है उनके लिए, मैं क्या करता हूं, भगवान खुद ही बोलते, ठीक है। जैसे कोई बैंक में कोई अगर कोई डिपॉजिट करेगा तो मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, डिपॉजिट ही नहीं करेगा तो इंटरेस्ट क्या दूंगा। मालिक भी बोलेगा नौकर काम करेगा तो मैं दे दूंगा, काम नहीं करेगा तो क्या देगा। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण करते हैं तो मैं देता हूं, क्या देता हूं सुनना, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। ऐसे तेसम, ऐसे तेसम मन उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए किन लोगों के लिए, हाँ भक्त लोग जो 6 नंबर में बताया, मैं अभी 7 नंबर से पूछ रहा हूँ ना, तो बोले जो 6 नंबर में बताया गया वो सिंपल बता रहा हूँ। जैसे बोले गए मैंने क्या कहा, तो बोले आपने जो बोला, ये सिंपल उत्तर है, मैंने अभी क्या कहा समझा, हाँ आपने जो बोला है। तो ऐसे 7 नंबर किन लोगों के लिए ना, 6 नंबर के लिए जो बताया, इसको अगर डिटेल बताएंगे क्या है, जिन्होंने मुझ में अपना कर्म समर्पण किया, वन, सेकंड मुझे श्रेष्ठ समझता है, थर्ड मन में अनन्य करता है, ऐसे उन लोगों के लिए। तीसरा हो गया, वो कौन है, मई आवेशित चेतसम, और थोड़ा सा समझाते हैं, मुझ में ही जिसका चित्त आवेशित, आवेश ना प्रवेश हो गया, जिसका चित्त जिसका मन प्रवेश हो गया, वैसे माने 6 नंबर को एक ही शब्द में दे दिया आवेशित चेतस, ऐसे हाँ उनके लिए मैं समुद्धरता बनता हूँ, मैं समुद्धरता बनता हूँ, अर्थात मैं उद्धार कर देता हूँ। किससे उद्धार कर देते हो ना, मृत्यु संसार सागर। अर्जुन ये मृत्यु का ही तो भय सबको है, और ये संसार में तो भय है, दुख है, संसार है वो दुख, उसी से मैं मुक्त करा देता हूं।
और नचिरा पार्थ जल्दी करा देता हूं, मैंने जल्दी करा देता हूं, नचिरा लिखा ना अचिरा, बस जल्दी करा देता हूं, बहुत ही जल्दी शीघ्र, नचिरा मैंने शीघ्र करा देता। अच्छा ये जो उद्धार है ना, उद्धार शब्द बहुत सुंदर अर्थ है। एक उद्धार करते हैं, एग्जाम्पल आप देखना, वो जब कभी कभी जो बाढ़ हो जाती है ना, तो लोग जो नौका में डूब जाते हैं, तो हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, हेलीकॉप्टर लाते, फिर उद्धार करते कि नहीं, कमांडो आते हैं उद्धार करते हैं। और एक है हरण करते हैं, भगवान क्या करते हैं, हरण करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, रुक्मिणी माँ रुक्मिणी गई थी मंदिर, उन्होंने चिट्ठी भी लिख दिया, बस इंतजार कर रहे हो, भगवान ने क्या किया, हरण किया, इसलिए उस प्रसंग को लिखा हुआ सुभद्र रुक्मिणी हरणा, सुभद्रा हरणा, अर्जुन ने भी हरण किया। अब तो समय नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है, जब अर्जुन ने हरण कर दिया, सन्यासी बन करके आए थे, है ना, और जान लिए, कृष्ण तो जानते ही है, सुभद्रा भी जान लिया, तो बलराम बहुत गुस्से में, मारो उसको अर्जुन, कैसे किया, भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर, बात तो ने क्या कर दिया, सैनिक ना क्या खबर दे रहे हो ना, अर्जुन ने लेके गया, रथ किसका है ना, द्वारका का है, द्वारका का रथ ऑफिशियल रथ है क्या, अर्जुन ने रथ के राजशाला से चोरी करके, नहीं भगवान, फिर किसने, सुभद्रा चला रहे, ओ सुभद्रा रथ चल रहे थे, दाऊ पॉइंट टू बी नोटेड, बड़े इंटरेस्टिंग, दाऊ जी पॉइंट टू बी नोटेड, रथ द्वारका का है, चला रही थी, जब सुभद्रा चला रही थी और ये अर्जुन बैठा था जंगल में, और जब रथ में बैठा अर्जुन, रथ किसने चलाया, सैनिक बोल रहे हैं सुभद्रा ने चलाया, तो बताओ अर्जुन ने हरण किया कि सुभद्रा ने हरण किया, सुभद्रा हरण का अर्थ बढ़िया है, सुभद्रा ने हरण किया। अब बलराम जी चुप हो गए, बता तुझे कोई कत बात में जीत नहीं सकता है, अभी क्या करना है बता, अभी वसुदेव माने उधर अर्जुन के कुंती को, माँ को और भाई युधिष्ठिर को बोल करके विवाह कर, तो मान गए, ठीक है, हरण थोड़ा बीच बीच में चाहिए ना, मीठा मीठा, तो हरण का अर्थ है भगवान हरण करते थे, क्या हरण करते हैं, ये हमारा दिल, और ये संसार से हरण कर देते, ठीक है। चलिए आगे, अब ये कितना सुंदर दो श्लोक में बताया, अभी भगवान और तीन श्लोक में भक्ति की साधना बता रहे, ठीक है, 8, 9, 10, 11 में भगवान भक्ति की साधना, पांच प्रकार के साधना बता रहे, अभी हम लोग 8, 9 तक देखते हैं, 8, मये भवनवाधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवशेषसि मयि अत ऊर्ध्वं न संशयः। देखा जाए तो 6 नंबर के जो उपासक है उसी को ही यहाँ 8 नंबर में बता रहे हैं, मगर वहां पर उपासक के लक्षण बता रहे हैं, यहाँ पर उपासना का लक्षण बता रहे हैं, भक्ति की साधना बता रहे हैं। तो पांच भक्ति की साधना है, क्या क्या है वो आएगी। अब पहला है मई एवं मन आधस, अर्जुन कह के ठीक है 6 नंबर बनने के लिए उपासक, तो अभी आप 7 नंबर दोगे, 6 नंबर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, तब भगवान ऐसे बता रहे, ऐसे जोड़ना, 7 नंबर तब होगा जब 6 नंबर होगा, ठीक है, 6 नंबर नहीं होगा तो 7 नंबर नहीं होगा, 6 नंबर के लिए 3 क्वालिटी बताए और वो उपासना कर, तो कहते अच्छा उपासना की प्रक्रिया क्या है, उपासना की साधना क्या है, तो भगवान अभी कहते, भगवान मगर बड़े सुंदर स्टाइल में कहते, क्या अगर ये नहीं कर सकते ये करो, अगर ये नहीं कर सकते ये करो, इसी ढंग से अब कहते हैं मई एव मन आदर्श,
तुम्हारा मन भक्त का मन मुझ में लगना चाहिए। बता दिया ना, मई आवेश चेतसा अनन्य नहीं, वो अलग बताया, पर अभी साधना के दृष्टि से बता रहे। मई अर्थात भक्ति, सिंपल अर्थ में भक्ति, पांच प्रकार साधना है। नंबर वन भक्ति की साधना, और भक्ति मन में ही होती है, ज्ञान बुद्धि में होती है। तो मय्येव मनाधत्स्व, मन में भक्ति करो। आधत्स्व, आधत्स्व माने क्या पता है, रखो। धा धातु, धान शब्द होता है ना, धान, धान माने क्यों, इसको रखा जाता था। बाद में गेहूं जब बाद में था, मुख्य हमारे भारतवर्ष का जो शस्य वो धान है, और वो धान शब्द ऐसे बना है जो रखा जाए। धा धातु, आधान आधत्स्व प्रसाधन मसीधान, धान माने रखना। तो तुम्हारा मन को मुझ में रखो, ठीक है, रखो। फिर सेकंड, मई बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि अब इधर उधर घूम रही है, मुझ में ही प्रयोग करो। निवेश, निवेश करो, निवेश करना बोलते हैं ना, पैसा निवेश करो, इन्वेस्ट इंग्लिश। तो तुम्हारे जो बुद्धि को मुझे में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए बुद्धि भी चाहिए ना, कौन से कहां पर डालना है, क्या करना है। ऐसे ही तुम विचार करो, मैं कौन हूं, मेरे सगुण निराकार के बारे में विचार करो, चिंतन करो, ठीक है। निवसी शशिमयेव अत ऊर्ध्वं न संशय, ऐसे करोगे तो इससे छोड़कर के और बड़ी साधना है ही नहीं। अतः ऊर्ध्वं न संशय माने और है ही नहीं साधना। भागवत के षष्ठ स्कंद में वर्णन है, मैं डायरेक्ट जान पॉइंट है उसमें बता रहा हूं। युद्ध क्षेत्र है, देवराज इंद्र और इस तरफ वृत्रासुर युद्ध करने के लिए तैयार है। वृत्रासुर के पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा गदा है, इसके पास इनके पास बहुत रथ है। और युद्ध होने से पहले वृत्रासुर कहता है, इंद्र हेलो, या तो तुम मारोगे या तो मैं मारूंगा, जैसे भी, और मैं थोड़ा सा, मेरा जो मन है ना वो भगवान में स्तुति करने में मन लग रहा है, मेरा मन भगवान में रहना चाहिए, मैं युद्ध करूंगा, मुझे पता है कि मैं परास्त भी हो सकता हूं, मैं मर भी सकता हूं, पर ये शरीर मरेगा, ऐसे ज्ञान दे रहा है, बहुत रेयर है। रावण भी नहीं बोल पा रहा था, इतना बड़ा ज्ञानी है, और रावण भी नहीं बोल पाया कि राम के साथ की, अब हे राम तुम आप जब मरोगे तो मेरा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। प्रवचन दिया था जब इंद्रजीत मरा, तब अपने माँ को माने उनकी पत्नी मंदोदरी को और उनकी को बताया था प्रवचन, और युद्ध क्षेत्र में नहीं बोल पाया। घर में तो बोलना ईजी है ना, परिस्थिति में बोलना डिफिकल्ट, मर ये बोल रहा। और चार श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसमें से एक श्लोक तो बहुत बढ़िया, कि मैं हमेशा ही भागवत में बोलता हूँ, टॉपिक आता है तो बोल देता हूँ। एक श्लोक तो देखना है क्या है, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सरताक्ष दत्था प्रियं प्रियैव व्यसतं विसन्नाः मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां त्वां। हे भगवान, आपको मेरा मन, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती है। दिदृक्षते मैंने आंख को देखने के लिए तरसना, शब्द देखना, देखना मैंने मैं देखता हूं पश्चिम, दिदृक्षते मैंने आंख से आपको देखने के लिए तरसती है, और मेरा मन आप में जुड़ा रहता। मनोरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष, आपके जो सुंदर आंखें हैं, आपके सुंदर मुख है, आपके सुंदर हाथ है, आपके सुंदर शरीर है, आपके सुंदर चरण है, मेरा मन चरण में ले जाए। मई सर्वाणी कर्मा, कैसे, तीन एग्जाम्पल देते, जैसे पक्षी माँ ने बच्चों को पैदा कर दिया और माँ जाती है
खाद्य संग्रह करने के लिए। वो पक्षी बोल भी नहीं सकते, वो पक्षी उड़ भी नहीं सकते, इंतजार कर रहे हैं मगर माँ का। वैसे ही मेरा मन आपको इंतजार करना है कि आप तो कहीं दर्शन। फिर उनको ही लगा कि नहीं और एक एग्जाम्पल दे, तो उन्होंने कैसे जैसे बचना सांझ हो गया हो गई तो वो इंतजार कर रहा और पक्षी बोल नहीं पाता मगर बचना बोल अम्बा अम्बा आवाज कर रही। तो मेरा मन कभी कभी स्तुति भी कर लेता है, कभी भी वाणी भी बात कर देता है बछड़ा जैसे। ठीक है, अच्छा ये दोनों पशु है पक्षी है, इतना उदाहरण उनको भी नहीं आया। तो कहते हैं जब कोई प्रेमी का प्रेमिक को इंतजार कर रहा है, कोई पत्नी पति को इंतजार कर रही है, पत्नी जैसे कोई विदेश जाते हैं और कब आएंगे इंतजार कर रहे हैं, प्रिया प्रियई भविष्यतम, वैसे ही मेरा मन आपको इंतजार कर रहा है, इसको कहते हैं भक्ति। ठीक है, अब कहते हैं अगर तुम कर नहीं पा रहे हो ना अर्जुन, हाँ नौ नंबर में बोल, अगर तुम मन में भक्ति नहीं कर पा रहे हो, बुद्धि में ज्ञान नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुझे बता रहा हूं क्या करोगे। भगवान बता रहे नौ नंबर, अथ चित्तम समाधातम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तं धनंजय। अगर तुम्हारा मन मुझ में नहीं लग रहा है, अगर तुम्हारे बुद्धि मुझ में निवेश नहीं हो पा रहा है, देखो मन बुद्धि जब जुड़ जाता है ना उसका नाम कहते हैं चित्त, गुरुदेव इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट, समन्वित मन बुद्धि इज इक्वल टू चित्त, याद रखो। क्या समन्वित मन बुद्धि इज इक्वल टू चित्त, किंडल लाइफ में भी है, आत्म निर्देशिका में भी है ये टेक्निकल वर्ड चित्त। तो भगवान यहाँ यूज करते हुए अर्थात उसका मन और बुद्धि दोनों ही नहीं लग रहा है ना, उसको कहते चित्त। अगर चित्त समाधान नहीं हो पा रहा है, लग गया तो उसका चित्त लग गया है नहीं है, तो क्या करना चाहिए, अभ्यास योग करना चाहिए। भगवान कहते हैं अभ्यास योग कर। अब ये अभ्यास योग क्या है डिटेल, जो दो तीन कहानियां भी है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि रामलला का लड्डू अभी हमारे लिए है, तो मैंने लड्डू जो रखा था ना बस आपके रूप में आपको दूंगा। ऑनलाइन वाले अब लड्डू ऑनलाइन में खा लेना, ऑफलाइन को मैं दे देता हूँ। ओम पूर्ण मदः।